हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्रीज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम महबूब अली एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज केमिकल काइनेटिक्स। बट बिफोर वी प्रोसीड टू केमिकल काइनेटिक्स, वी शुड कंसिडर सम आस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, देन थ्री क्वेश्चंस कम इन टू आर माइंड। दैट इज, फर्स्ट इज फिजिबिलिटी, means whether the reaction is feasible or not. Second thing is extent to which the reaction proceed, and third thing is the rate of reaction or the speed of reaction by which the reaction proceeds. So hamara jo first problem hai feasibility ka, ki reaction spontaneous hogi bhi ya nahi hogi, theek hai, to wo hamara question answer karta hai thermodynamics. Thermodynamics se hum ye jante hain ki if the value of delta G is negative for a reaction, then वो reaction आपकी spontaneous होगी, वो reaction feasible होगी। और अगर कोई electrochemical reaction है और उसके लिए E cell का value positive है, तो भी वो reaction जो है वो आपकी spontaneous होगी, reaction feasible है। Okay, delta G और E cell के बीच में हम जो relation पढ़ चुके हैं पहले ही, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ओके, सो अगर आपका ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो आपका डेल्टा जी अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और फिजिबल होगी। उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन होगी तो सही, ये तो पता चल गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो जाएगी, बट वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगी, मीन्स टू हाउ मच परसेंटेज इट विल गेट कंप्लीटेड, तो उसके लिए आपको देखना होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इसका आंसर करता है कि रिएक्शन जो है हमारी किस हद तक होगी, किस एक्सटेंट तक प्रोसीड करेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम ये भी पता लगा लेते हैं। ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हमारा आता है रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो किस स्पीड से, किस रेट से प्रोसीड करेगी, किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्शन होगी। सो उसका आंसर हमको मिलता है केमिकल काइनेटिक्स में। सो केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये इसकी आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं जनरली, दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट की जो टी वन टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपकी आर वन, और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है पी वन। सिमिलरली आपका जो टी टू टाइम है वहां पर, उस टी टू टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज आर टू एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आर पी टू। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन इनकी दे रखी है। सो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दोनों ही तरीके से आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, टाइम के साथ जो है, विद द टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गेट डिक्रीज एंड विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गेट इंक्रीज। सो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा आर। दिस माइनस शोज द डिक्रीज एंड डेल्टा आर रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, वी विल रीड इट एज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, सो डेल्टा आर का वैल्यू आपका हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, माइनस आपका जो फॉर्मूला में है वो एज इट इज हमने पुट किया है। डेल्टा टी का वैल्यू टी टू माइनस टी वन। तो ये हमारा आ जाता है यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अब हमने यहां पर माइनस क्यों पुट किया है, माइनस पुट करने की वजह यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव,
रेट ऑफ रिएक्शन नेवर बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा आर का जो वैल्यू आएगा वो ऑलरेडी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज आर टू जो है उसका वैल्यू कम है और आर वन का वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, इसलिए इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन। ओके, अब आता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, सो प्लस पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर हमने प्लस पुट किया, प्लस ना भी पुट करें तो ऑलरेडी ये प्लस होता ही है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला, किस तरीके से हम निकालते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ वाइज जो है इसके ग्राफ से इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। सो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर एक ग्राफ ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने ले रखा है टाइम एंड द कंसंट्रेशन वी रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ जो है आपका इस तरीके से आएगा। क्लियर? मींस व्हेन द टाइम इज जीरो, मींस आपका स्टार्टिंग टाइम जो था, स्टार्टिंग टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की मैक्सिमम है, और एज द टाइम पासिस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिक्रीजेस एंड आफ्टर सर्टेन टाइम इट स्टॉप चेंजेस। मीन्स इस टाइम पर आपका क्या हो जाएगा, ये इस वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मीन्स आपका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। ओके, अब यहां से ग्राफ से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये एक हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये है आपका टाइम टी वन। ओके, और टी वन से जो रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कहेंगे आर वन। ओके, और यहां पर एक दूसरा हम टाइम पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज टी टू, और ये आपका कंसंट्रेशन जो है इस टाइम पर वो आ गया आपका आर टू। ये सिमिलरली वही चीज है जो हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखी है। सो आर टू और आर वन के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्या दे देगा, इट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, दिस विल गिव्स यू वैल्यू ऑफ डेल्टा आर, और T1 और T2 के बीच का जो डिफरेंस है वो वैल्यू ऑफ डेल्टा T आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो इस तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ये आती है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के केस में क्या होगा कि आपका जो टाइम चेंज और कॉन्सेंट्रेशन चेंज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप डेल्टा वर्ड यूज करने के बजाय वहां पर हम डेल्टा की जगह जो है स्मॉल डी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहीं से अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, तो इसके लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके देखते हैं। सी, ये हमने एक ये पॉइंट चूज कर लिया। सो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम ले लेते हैं और यहां पर ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, सपोज इसको हमने जो है वो ये T कंसीडर कर लिया है। ओके, सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, तो ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया, टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो अब यहां पर क्या करिए, आप इस तरीके से ये बना लीजिए, ट्राइंगल बना लिया। ओके, सो
This gives you the value of dt, and this side gives you the value of dr, means the change in concentration, the smaller change in concentration, the smaller change in time. So, यहां से आपका आ गया instantaneous rate, that will be equal to minus dr upon dt. Okay? ये वाला value जो है वो आप यहां पर put कर दीजिए और delta t का value put here, then you will be able to calculate instantaneous rate of reaction. So, ये हो गया आपका in the case of reactant. Product के case में क्या होगा? Product के case में हम जो है दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वहां पर इसका जो है शेप थोड़ा चेंज हो जाता है. टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, कॉन्सेंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस. एज यू नो दैट विद द टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गेट इंक्रीजेस. सो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा. ये टाइम के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है. तो यहां पर अगर आपको पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ये हो गया आपका टी वन, दिस इज टी टू, एंड द कंसंट्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टी वन इज पी वन, एंड द कंसंट्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइम टी टू इज पी टू. ओके, तो ये इस तरीके से आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है. तो ये जो है ये आपको देगा डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस विल प्रोवाइड यू डिफरेंस इन द टाइम एंड टाइम इंटरवल. ओके, सो आपका एवरेज रेट जो है वो हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ओके, डेल्टा पी का वैल्यू इस ग्राफ से यहां से आ जाएगा आपका, ये जो दोनों का डिफरेंस है पी टू और पी वन का, ये यहां से आ जाएगा और डेल्टा टी का यहां से आ जाएगा, ठीक है. और अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो ये आपका आ जाएगा पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. तो इस तरीके से आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट आप कर सकते हैं. नाउ कम टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, तो सिमिलरली जैसा हमने यहां रिएक्टेंट के केस में किया था वही प्रोडक्ट के केस में करेंगे. हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट जहां पर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेना है, कैलकुलेट करना है, वो ले लेते हैं. सी, ये हमने एक टाइम पॉइंट जो है वो एक मोमेंट यहां पर ये ले लिया. इस पर्टिकुलर टाइम पर हमको जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, वही ड्रॉ अ टेंजेंट ओके. ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये आपकी इसकी जो साइड्स हैं इन साइज को जो है इसका 10 निकाली और 10 निकाल करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये वाली जो साइड्स हैं ये साइड आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी डेल्टा पी का, और ये वाली साइड जो है वो आपको डी पी का, और ये डी टी का वैल्यू जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है. तो यहां से आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी. इस तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है. अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को और हम दूसरे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. नाउ अब हम जो है एक न्यूमेरिकल करके थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं. ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है हाइड्रोजन और आयोडीन की जो मिलकर के जो है हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर रहा है. ओके, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, सो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, मीन्स जो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगी, और सिमिलरली इट विल आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ एन आयोडीन. ये जो पूरा टर्म हमने यहां से यहां तक लिखा है माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, ये आपका होगा रेट ऑफ दिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और रेट ऑफ एवरेज रेट जो है
इसके भी इक्वल होगा और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन के भी इक्वल होगा। बट अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई यहाँ पर आप देखिए जिस टाइम में एक मोल हाइड्रोजन डिसअपीयर हो रहा है और वन मोल जो है आयोडीन डिसअपीयर हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, सेम उसी टाइम में टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहे हैं। सो कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डबल है। सो उस डबल रेट को इसके इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। सो 1 अपॉन 2 डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर आप हाफ कर देंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू एवरेज एवरेज रेट। तो इस तरीके से ही आपका एवरेज रेट का कैलकुलेशन हो जाता है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। सपोज कि हमारा जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन उसका वैल्यू हमको दे रखा है 0.5 इंटू 10^2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू दी हुई है, ओके, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और साथ ही हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई। मींस मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई, ये हमको कैलकुलेट करनी है, ये दो चीजें। सो एवरेज रेट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या रिलेशन है, तो यहां से देखिए एवरेज रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, इसके इक्वल ही है। सो आपका एवरेज रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी। एवरेज रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना लिया है आपको, ये 0.5 इंटू 10^-2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। नाउ जो सेकंड चीज हमको कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई। सो एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट में क्या रिलेशन है, सो एवरेज रेट इज द हाफ ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ एच आई, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन रेट ऑफ एच आई इज डबल टू द एवरेज रेट। सो हम यहां पर ये लिखेंगे हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई इज इक्वल टू एवरेज रेट। हमें कैलकुलेट करना है ये वाला चीज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाफ को क्या करते हैं उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इधर जाकर के जो है आपका डिनोमिनेटर से 2 जो है न्यूमिनेटर में आ जाएगा और आपका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा R average multiplied by 2, और ये आपका हो गया 0.5 into 10^-2 multiplied by 2, so it is 1.0 into 10^-2 mole per liter per second, ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हो। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए कि जो भी आपको यहां से रेट दे रखा है, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा हो चाहे रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा हो, उसको क्या कर दीजिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें, और अगर आपको एवरेज रेट दे रखा है और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंगली उसी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को जो है वो एवरेज रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। So, इस तरीके से आपका एवरेज रेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इस रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सी द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+3H2 gives 2NH3। यहां पर आप देखिए कि जो नाइट्रोजन की कंजप्शन रेट है और हाइड्रोजन की कंजप्शन रेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
अगर वन मोल नाइट्रोजन का कंज्यूम हो रहा है तो सेम उसी टाइम में हाइड्रोजन के 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, मीन ये जो है हाइड्रोजन 3 टाइम्स फास्ट कंज्यूम हो रही है, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फास्ट है, 3 टाइम्स फास्ट है, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन के मुकाबले 2 टाइम फास्ट है, ठीक है। तो जब हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन डिसअपीयरेंस रेट को क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इफ वी वांट टू कैलकुलेट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन देन वी शुड राइट माइनस डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो ये जो पूरा का पूरा हमने यहां पर ये एक्सप्रेशन लिखा है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस पूरे को हम पढ़ते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, ये माइनस के इंक्लूड करके बोला जाता है इसको। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एवरेज रेट, बराबर है दोनों, इसका डिसअपीयरेंस रेट, कंजप्शन रेट और एवरेज रेट आर इक्वल। हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम एवरेज रेट को लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट है उसको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड विद 3। और अगर यदि आप अमोनिया के फॉर्मेशन रेट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये जो पूरा का पूरा आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, वी हैव टू डिवाइड विद 2। सो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। सो तीनों ही जो फॉर्मूलाज हैं वो किसके हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। तो एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, ये तीनों भी आपस में इक्वल है, मींस वी कैन से दैट एवरेज रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, इट इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 3, और यू कैन ऑल्सो से इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला को चेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन सपोज करिए कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, तो क्या करिए, जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज रेट आ जाएगा। अमोनिया की फॉर्मेशन रेट गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज रेट आ जाएगा। और इफ एवरेज रेट इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो आप क्या करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ये वाला कैलकुलेट करना है, इधर ले जाइए, यानी एवरेज रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे फार्मूला जो है एक दूसरे के इक्वल है। सो बाय यूजिंग दीस फार्मूलास वी कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, गैसियस अगर आपके रिएक्टेंट्स हैं तो प्रेशर पर डिपेंड करती है, और फोर्थ जो है वो है हमारा कैटलिस्ट। तो 4 फैक्टर हो गए, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन को। सो कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस जो है वो शो करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो कॉन्सेंट्रेशन पर जो डिपेंडेंस है वो आप शो करते हैं रेट लो एक्सप्रेशन से, रेट लो एक्सप्रेशन, या इसको सिंपली हम रेट लो भी बोलते हैं, रेट लो। सो रेट लो है क्या, रेट लो अगर हम किसी रिएक्शन के लिए लिखें, सपोज ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं, ओके, सो ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी गिव्स यू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। ये जो स्मॉल में ए बी सी और डी लिखे हैं ये आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमको रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है, मींस डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, किस पावर पर डिपेंड करेगी वो देखते हैं।
So simply, rate of reaction is directly proportional to the concentration of A raised to power x and concentration of B raised to power y. ठीक है, ये इसके directly proportional है. X और y यहाँ पर क्या है? X और y ये इनको कहेंगे हम order of the reaction with respect to A और B. So x और y जो है, ये दो coefficients हैं. They may be equal to stoichiometric coefficient or may not be equal to stoichiometric coefficient. इस proportional के sign को जब हम यहाँ से remove करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका equal to sign और आ जाएगा a constant, that is small k. ये small k क्या है? Small k है rate constant कहते हैं इसको. X and b raised to power y. ये जो है, ये आ गया आपका rate of expression इस reaction के लिए. ठीक है? और यहां पर ये k है, k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट. और x y जो है वो आपके दो ये कोफिशिएंट्स हैं. और x plus y जो आता है इसको लिखेंगे n, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. x और y का जो सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. चलिए यहां से अब हम देखते हैं. सो रेट टू एक्सप्रेशन क्या है एक्चुअली? तो रेट लो इज द एक्सप्रेशन विच शोज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच टर्म राइज टू सम पावर विच मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये हो गया आपका रेट लो का डेफिनेशन. अब ये हमने लिख लिया है यहां पर आपका रेट लो एक्सप्रेशन. रेट लो एक्सप्रेशन के बाद में रेट लो एक्सप्रेशन डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है, मींस ये एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा इसको देखते हैं. तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लेकर के देखेंगे. सपोज करिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है 2NO+O2 gives 2NO2. ये एक एग्जांपल लेते हैं. हमको x और y के वैल्यूज पता करने, मींस रेट ऑफ रिएक्शन x की किस पावर पे कंसंट्रेशन की जो है किस पावर पे डिपेंड करती है और b की कंसंट्रेशन की किस पावर पे डिपेंड करती है, मींस x और y के वैल्यूज क्या है. तो ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली. ये जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं आते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने पड़ते हैं किस तरीके से. ये एक एग्जांपल आपने ले रखा है, इसको देखिए. हम इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO जो है वो हम ले लेते हैं 0.3 मोल पर लीटर और इसकी भी ले लेते हैं 0.3 मोल पर लीटर. जब इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 0.3 मोल पर लीटर ले रखी है तो उस टाइम पर जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 वो आ रही है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रहा है. अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से चेंज होती है. तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको उतना ही रखते हैं 0.3 मोल पर लीटर रखते हैं और NO की कंसंट्रेशन जो है यहां पर क्या कर देंगे, डबल करते हैं. इसकी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी. इसकी कंसंट्रेशन जब हमने डबल कर दी तो डबल करने पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होकर के आपका हो गया 0.384 मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो गया. तो यहां पर क्लियरली हमको पता चल रहा है कि इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई. इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सेकेंड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO. NO की कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पर डिपेंड कर रही है, उसके स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है. अगर हमने इसको डबल किया है तो ये 4 टाइम्स हो रही है और अगर हम इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. तो इससे पता चल रहा है कि ये इसके स्क्वायर पावर पर डिपेंड कर रही है, सेकंड पावर पर डिपेंड कर रही है. अब इसको तो हमको पता चल गया, इसका डिपेंडेंस देखते हैं. सो नाउ वापिस जो है हम NO को 0.3 ही रख देते हैं. अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डबल करते हैं. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डबल करने पर क्या होगा,
इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल होगी। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। इट मींस ये इसकी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगी। टू टाइम्स इंक्रीज किया, ये भी टू टाइम्स हो गई, इसको फोर टाइम्स करेंगे फोर टाइम्स हो जाएगा, थ्री टाइम्स करेंगे थ्री टाइम्स हो जाएगा। मींस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। अब हम इसको और कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि NO की कंसंट्रेशन भी डबल कर दी जाए और इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो क्या होगा? तो इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो टोटल आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है 8 टाइम्स बढ़ जाती है। तो 8 टाइम बढ़ जाएगी तो इसका वैल्यू जो आ जाता है 0.768 मोल पर लीटर पर सेकंड। मींस तो ये क्लियर हो रहा है आपको, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा इसको बिल्कुल मैच कर रहा है। हमने दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारी कितनी हो गई, इसके मुकाबले रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 8 टाइम्स हो गई। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंटल डाटा से अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट टू एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो रेट टू एक्सप्रेशन क्या होगा? वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। So this is the rate law expression for this reaction। ये rate law expression आपके पास कहाँ से आया? ये rate law expression की जो power है, वो हमने experiment से determine की। अब यहाँ पर देखिए, NO की concentration की power 2 आ रही है और O2 की power 1 आ रही है, जो कि आपके stoichiometric coefficient के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा stoichiometric coefficient के equal होगी। It may be equal or it may not be equal। ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले यहां से समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्चुअली निकालते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ये जैसे हमारा एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो ऑर्डर इस रिएक्शन के केस में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मीन्स जो भी आपने पावर लगा रखी है यहाँ कंसंट्रेशन की, उनको सम कर दीजिए तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो यहां से हम डेफिनेशन जो है वो बनाते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? इट्स अ सम ऑफ पावर्स। ये क्या है? पावर का सम है। किसकी पावर? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर है। कहां पर है वो मोलर कंसंट्रेशन? तो मोलर कंसंट्रेशन है इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो आर डेफिनेशन ऑफ रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रिएक्शन। अब आप देखिए कि ये ऑर्डर जो है हमने जो कैलकुलेट किया, पहले हमने देखा था जो NO2 वाली हमारी रिएक्शन थी, ये ऑर्डर जो ये 2 और ये 1 जो आया वो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। इट मींस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। नाउ अब इसकी जो ऑर्डर की वैल्यू है, ऑर्डर की वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो है हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ऑर्डर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इट मे बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव और इवन फ्रैक्शन आल्सो। नाउ अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन देखिए बच्चों क्या होता है, दोज रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है उनको होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, तो स्टेप बाय स्टेप या मल्टीपल स्टेप वाले रिएक्शन में क्या होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो ऑर्डर होगी वही आपकी ओवरऑल रिएक्शन की ऑर्डर होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
अब बात करते हैं मोलेक्युलरिटी। सो मोलेक्युलरिटी क्या है? मोलेक्युलरिटी एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। मींस किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स को आपस में एक साथ कोलाइड करना पड़ेगा, वो नंबर जो है वही आपका मोलेक्युलरिटी है। इसके केस में देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ओनली एक मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करेगा या यही डिकम्पोज होकर के जो है रिएक्शन दे देता है, तो ये आपकी यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन हो गई। मींस इसकी मोलेक्युलरिटी जो है वो 1 है। इस केस में देखिए, इस केस में क्या होगा कि आपके एच आई के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने चाहिए, टकराने चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ये रिएक्शन होगी। सो दिस इज अ बायमोलेक्युलर रिएक्शन और यू से द मोलेक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 एंड द मोलेक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3। दिस इज अ ट्राइमोलेक्युलर रिएक्शन, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन टू रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ये ट्राइमोलेक्युलर रिएक्शन हो गई। अब मोलेक्युलरिटी की जो वैल्यू है 1, 2, 3 हो सकती है, तो मैक्सिमम 3 तक जाती है, और इससे हाई ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है, हाई मोलेक्युलरिटी की रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा रेयर होती है, ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट लिमिटेड टू 3। अब जो मोलेक्युलरिटी है इस रिएक्शन को आप कंसीडर करें, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखेंगे तो 1 मोल इसका 6 मोल्स FeSO4 के और 3 मोल्स H2SO4 के, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने से ये लगती है कि ये डेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है, बट 10 मॉलिक्यूलरिटी तो पॉसिबल नहीं, मींस 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स जो एक साथ कोलाइड कर सकते हैं। सो ये जो रिएक्शन है, अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा आ रही है किसी भी रिएक्शन की, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और मल्टीपल स्टेप में जो है वो होगी, एक स्टेप में नहीं होगी। तो मल्टीपल स्टेप में होगी तो उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है ओवरऑल रिएक्शन की हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करनी होगी ओनली ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो स्टेप बाय स्टेप है, हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करनी है, क्लियर। अब आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि आपको पता है कि ऑर्डर जो है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है। अब इसका वैल्यू जो है 1, 2, 3 हो सकता है, 0 नहीं होगा, कोई भी नॉन इंटीजर नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो 0, फ्रैक्शन, माइनस, ये वैल्यूज नहीं होते, व्होल नंबर ही इसके वैल्यूज के अंदर हो सकते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यूज नहीं होते। नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिग्निफिकेंट होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके पर्टिकुलर स्टेप के लिए कैलकुलेट करेंगे, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, उसकी मोलेक्युलरिटी और उस रिएक्शन की ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेप, वो दोनों के दोनों जो है इक्वल होंगे। मींस किसी भी स्लोएस्ट स्टेप के लिए अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की मोलेक्युलरिटी और ऑर्डर जो है वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, और ये हो गए इनके बीच के डिफरेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। गुड डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।